हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप फिट एंड फाइन इन होम। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज मैथ की 9.5 के टू सम्स कराए थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको 9.5 एक्सरसाइज जो है उसके आगे के सम्स कराती हूँ, जिसे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे सम जो है वर्ड प्रॉब्लम के हैं, तो ध्यान से सारे बच्चे इन सम को अच्छे से समझना। तो हमारा बेटा टू सम हो गए थे, आज हम थर्ड सम करते हैं, तो थर्ड सम है, सारे बच्चे एक तो बुक ओपन कर लीजिए, मैं जो आपको इसकी हिंदी भी बताती जाऊँगी, सम में दिया क्या हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन है, सुएस बोट ए बुक फॉर 65 रुपीज 50 पैसे, नोटबुक फॉर 25 रुपीज, ए पैकेट ऑफ पेंसिल फॉर 15 रुपीज 50 पैसे एंड पेन फॉर 15 रुपीज। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, उन्होंने इन सब में कितना स्पेंड किया था, इसके बारे में हमें इस सब में बताना है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो हमारी स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं, सुएस बॉट ए बुक फॉर 65 रुपीज 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, 65 रुपीज 50 पैसे और सुएस बोट फॉर ए कितने रुपीज में खरीदी है उन्होंने नोटबुक? ₹25। कितने में बच्चों? 25 रुपीज में उन्होंने नोटबुक ली है। और उन्होंने पेन कितने रुपीज में खरीदे हैं? सुएस बोट ए पेन फॉर कितने रुपीज में? 15 रुपीज 50 पैसे। 50 पैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसके बाद की जो भी डिजिट नंबर होते हैं वो हमारे पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा, उनको हम पैसे बोलते हैं। और सॉरी, 15 रुपीज 50 पैसे के तो उन्होंने पेंसिल परचेज की थी, यहाँ पर आएगा पेंसिल, ठीक है बेटा। और पेन उन्होंने कितने में लिए थे? 15 रुपीज में उन्होंने पेन लिए थे, 15 रुपीज के। अगर यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं दिए हुए तो हम यहाँ पर जीरो लिख देते हैं। तो उन्होंने कितने रुपीज बेटा स्पेंड किया अपने बुक्स में और नोटबुक्स में और पेन में? तो हम हाउ मच आ रहा है तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे इनको, हम सबको चारों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर जीरो ही है, तो यहाँ पर सब में जीरो ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 0 दी हुई है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 0 है, तो इन दोनों 5 5 5 कितना होगा बेटा हमारा? 10। तो 10 हमारा यहाँ आएगा और ऊपर हमारी 1 क्या यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स,
5 और 5 कितने होते हैं 10, और 10 में हमने 5 प्लस किए तो 15, 15 में 5 प्लस किए 20, और जो बेटा ऊपर 1 कैरी लगी हुई है मैंने आपको बताया है, 1 कैरी को भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं, 20 हो गया। 20 में हमने 1 ऐड किया तो कितना हो गया 21 हो गया, तो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है पैसों का, तो 1 हमने यहाँ पे लगाया और जो 2 है वो हमारी ऊपर कैरी आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, 602 कितने होंगे बेटा, 602 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 में 1 प्लस किया 9 में 1 प्लस किया 10, और जो ऊपर हमारी 2 कैरी है 10 में हमने 2 को भी प्लस कर लिया तो कितना आ गया बेटा हमारा 12। तो जो सुयश है उसने कितने स्पेंड किए, सुयश स्पेंड फॉर कितने रुपीस उन्होंने स्पेंड किए सुयश ने बेटा, रुपीस कितने रुपए में उन्होंने अपनी सारी चीजें खरीदी थी, 121 रुपए में उन्होंने अपनी जो पेन पेंसिल नोटबुक और बुक अपनी परचेज की थी, उन्होंने 121 रुपीस स्पेंड किए थे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, हम एक और देख लेते हैं जिससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम के सम जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। तो हम लेते हैं बेटा 4 में हमारा है निशा बोट ए टॉफी फॉर 17 रुपीज 75 पैसे, बिस्किट फॉर 12 रुपीज 50 पैसे एंड एग 25 रुपीज 50 पैसे उसने खरीदे हैं। तो उन्होंने उन तीनों को हाउ मच डिड ही स्पेंड, उन्होंने कितना स्पेंड किया है इन चीजों को खरीदने के लिए, उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो हम अपनी जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, निशा बोट टॉफीज कितने रुपीस की उन्होंने टॉफी खरीदी है, 17 रुपीस 75 पैसे की उन्होंने टॉफी खरीदी थी। और निशा बॉट बिस्किट्स, कितने रुपीस के उन्होंने बिस्किट खरीदे हैं बच्चों बताओ, 12 रुपीज 50 पैसे 12 रुपीज 50 पैसे एंड एग कितने रुपए में उन्होंने लिए हैं, एग 4 रुपीज 25 रुपीज 50 पैसे। अब हमें इसमें क्या बताना है कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं इन तीनों में, तो हमें इसमें प्लस बताना है हाउ मच स्पेंड आ रहा है, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कितने रुपए उन्होंने स्पेंड किए इनको प्लस करते हैं, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम जो हमारा 5 है वो एज आ जाएगा। 7 और 5 कितने होते हैं बेटा, प्लस करो 7 और 5 को 12 और 5 बताओ 12 और 5 कितने होंगे, 17 का 7 यहाँ पे आएगा और ऊपर हमारा 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 7 और 2 9 और 5 बेटा 14 आ गया, और 1 जो हमारी कैरी है इसको हमने प्लस कर लिया तो कितना आ गया 15
बेटा फाइव यहाँ आ गया बेटा, और वन जो कह रही है वो हमारे यहाँ पर राइट हम कर देंगे, वन और वन टू, टू और टू फोर, और जो ऊपर वन कह रही है उसमें हम फोर में प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव। तो जो निशा है उसने कितने रुपए स्पेंड किए हैं, निशा स्पेंड फॉर मनी कितने रुपए स्पेंड किए हैं बेटा उन्होंने, ये हमारा आंसर है। ₹55.75 उन्होंने स्पेंड किए हैं, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। उन्होंने टॉफी ₹70.75 की खरीदी, निशा ने बिस्किट खरीदे थे ₹12.50 के, एग ₹25.50 के। तो हाउ मच स्पेंड इन ऑल, उन्होंने इन तीनों में कितने रुपए खर्च किए थे, इनको हमने प्लस कर लिया, प्लस करने पर हमारा आया ₹55.75। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टू सम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने टू सम्स कराए थे, तो आपको ये एक्सरसाइज आई होप अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।